अज खन्ने दे लई बड़ा ही इतिहासक दिन है जदों के खन्ना दे अंदर राम भवन और राम मंदिर जिहड़ा वा उहदा निर्माण शुरू होया भगवान श्री राम क्योंकि सारयां दे ने और उहनां दे फलसफे तों मानवता दा संदेश मिलदा और अज असीं अपने आप नूं बड़े ही भाग्यशाली समझ रहे हां कि अज इस समागम दे विच असीं भी हाजिर हाँ और पूरा शहर अज इस गल दे लई तत्पर है और सारे शहर दे सहयोग दे नाल इत्थे भगवान श्री राम जी दा मंदिर भी बनेगा और भवन भी बनेगा जिहदे नाल आम जिहड़े लोक ने उन्हां नूं बहुत वड्डा जिहड़ा ओह फायदा मिलेगा। ये सर कितनी जगह कितनी देर तैयार होएगा मंदिर सर? ये लगभग क्योंकि लीज़ तो हैगी म्यूनसिपल कमेटी की जगह और श्री रामलीला कमेटी का जिहड़ा ये नाल लीज़ का जिहड़ा एग्रीमेंट होया होया और बकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट जिहड़े ने वो हर साल इहदी जिहड़ी फीस वगैरह वो भरी जाती है तो अज इहदा निर्माण शुरू होया और इहदे विच 105 फुट लंबा जिहड़ा झंडा भी लगेगा और जिहड़ा कि एकता ते मानवता का जिहड़ा संदेश देगा और इहदे नाल शहर दे विच एकता इतफाक फैलेगा भाईचारक सांझ मजबूत होएगी और अमन शांति का पैगाम होएगा। हाँ जी प्रधान जी की कहना चाहोगे तुम कितनी जगह कितनी देर मंदिर तैयार हो जाएगा सर शहर वासियों को बढ़िया तोहफा एक? पहला तो मैं सारियां नूं मुबारकबाद देना चाहूँगा खासकर रामलीला कमेटी नूं जिन्हां दी मेहनत नाल अजे जगह ते काम शुरू हो सके है। यह जिहड़ी जगह है 1 एकड़ के करीब 200 फुट बाय 200 फुट जगह ये म्यूनसिपल कमेटी की जगह से 99 साली लीज़ से मेरे पिता जी स्वर्गवासी श्री ओंकार राय मेहता जी ने यह लीज़ एग्रीमेंट कराया सी रामलीला कमेटी का तो अज इहदा निर्माण शुरू होया तो बड़ी वधिया गल है। तो 105 फुट श्री राम चंद्र जी का जिहड़ा दरवाजा वह भी उरे लाया जाऊगा तो जिन्ने भी जरूरतमंद परिवार ने उन्होंने उरे जो भी उन्होंने परिवारक फंक्शन होणगे तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ा उरे मंदिर दे विच असीं मुहैया करावांगे तो बड़ा ही खुशी का दिन है। मैं MLA साहब का खास तौर पर धन्यवाद करदा जिन्हां की बदौलत तो प्रशासन की बदौलत EO साहब SDM साहब तो उन्हों की बदौलत जिहड़ा कि अज असीं ये काम करन च कामयाब होए हां। एक बार फिर सारे शहर वासियों नूं बहुत बहुत मुबारकबाद धन्यवाद जय श्री राम जय श्री राम।